अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई का एक बार फिर से दर्द छलका है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अजय बिश्नोई का दर्द छलका है। अजय बिश्नोई ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि महाकौशल अब उड़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है। मध्य प्रदेश में सरकार का पूर्ण विस्तार हो गया। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, मालवा क्षेत्र का हर दूसरा बीजेपी विधायक मंत्री है। सागर, शहडोल संभाग का हर तीसरा बीजेपी विधायक मंत्री है। महाकौशल के 13 बीजेपी विधायकों में से एक को तथा रीवा संभाग में 18 बीजेपी विधायकों में से एक को राज्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। महाकौशल और विंध्य अब फड़फड़ा सकते हैं, उड़ नहीं सकते। महाकौशल और विंध्य को अब खुश रहना होगा, खुशामद करते रहना होगा। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई का दर्द छलका है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये दर्द छलका है। अजय बिश्नोई ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, महाकौशल अब उड़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार का पूर्ण विस्तार हो गया। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, मालवा क्षेत्र का हर दूसरा बीजेपी विधायक मंत्री है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई का दर्द छलका है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उनका ये दर्द छलका है, क्या कुछ जानकारी? देखिए पूनम, मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का तीसरी बार विस्तार होने पर यह आशंका जरूर जताई जा रही थी कि बीजेपी में नाराजगी के सुर निकलकर बाहर आ सकते हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी को काडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है, अनुशासन का डंडा यहाँ पर चलता है, इसलिए सीधे तौर पर मुखालफत करते हुए कोई नेता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय बिश्नोई का दर्द झलक गया है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट पर लिखा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने लिखा है कि महाकौशल अब उड़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है। मध्य प्रदेश में सरकार का पूर्ण विस्तार हो गया है। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, मालवा क्षेत्र का हर दूसरा भाजपा विधायक मंत्री है। सागर और शहडोल संभाग का हर तीसरा भाजपा विधायक मंत्री है। महाकौशल के 13 भाजपा विधायकों में से एक को तथा रीवा के 18 भाजपा विधायकों में से एक को राज्य मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। महाकौशल और विंध्य अब फड़फड़ा सकते हैं, उड़ नहीं सकते। महाकौशल और विंध्य को अब खुश रहना होगा और खुशामत करते रहना होगा। जिस तरीके की के शब्द उन्होंने अपने ट्वीट में इस्तेमाल किए हैं कि खुशामत करते रहना होगा, इसका बिल्कुल मतलब साफ है। चूंकि महाकौशल से अजय बिश्नोई सबसे बड़े दावेदार थे, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन हर बार की तरह, पिछले दो बार की तरह इस बार भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है। सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी में जो नाराजगी की सुर हैं, बीजेपी समय रहते इनको थाम पाएगी या और भी नाराजगी की जो आवाज है वो निकल कर सामने आएगी? जी बिल्कुल आशीष जी, यही बात और यही सवाल जो है खड़ा हो रहा है कि अब इस तरीके की क्या और भी क्या आप यहाँ पर जो है ये भी जानकारी दे सकते हैं कि जो इनके स्वर हैं नाराजगी के, इसी तरह के और भी क्या स्वर हमें आप देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। हालांकि बीजेपी ने पहले भी, जब कई लोगों का जो है नाराजगी सामने आई थी, तो बीजेपी ने पहले भी नाराजगी दूर करने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि अब फिर से जो है नाराजगी सामने आ रही, इसको बीजेपी कैसे दूर करेगी? देखिए बीजेपी में और भी नाराजगी के की सुर देखने को मिल सुनने को मिल सकते हैं। खासतौर पर विंध्य की बात कर ली जाए, केदार शुक्ला दावेदार थे, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। गिरीश गौतम की बात कर ली जाए, वो भी दावेदार थे। नागेंद्र सिंह नागौद, नागेंद्र सिंह गुड़, ये भी दावेदार थे। और इनके अलावा मालवा से भी दावेदारों की लिस्ट निकलकर सामने आ रही थी, चाहे रमेश मेंदोला की बात हो तो इंदौर से, या फिर दूसरे और भी नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में जो शामिल होना चाह रहे थे, चाहे रामपाल सिंह की बात कर ली जाए, राजेंद्र शुक्ल की बात कर ली जाए। तो अब ये देखना होगा कि और कितने बीजेपी नेता अपनी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द, उनका दर्द झलक कर बाहर आता है। जी शुक्रिया आशीष जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल कैबिनेट का जैसे ही विस्तार हुआ, वैसे ही अजय बिश्नोई की नाराजगी सामने आई। हालांकि बीजेपी कैडर भी इस पार्टी है, अनुशासन का डंडा चलता है, लेकिन जिस तरीके से जो है अजय बिश्नोई ने ट्वीट कर अपनी बात रखी, उससे उनका दर्द साफ तौर पर झलकता है।